हेलो गाइस, दिस इज आदित्य शर्मा फ्रॉम न्यू एरा। ओके, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि दो तीन चीजें आप दिमाग में रखिएगा। एक तो इस चैप्टर का वेटेज, ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज 3 क्वेश्चन का है पर ईयर नीट में। 3 क्वेश्चन का मतलब बहुत होते हैं, क्योंकि आप एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, यूनिट की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 से 4, बेसिकली 3 से 4 भी हो जाते हैं कई बार, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या आती है, हम पहले इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता होगा आपकी बुक में 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इस चैप्टर को हम पहले स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को समझने के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में काफी आसानी होने वाली है, ठीक है। इसलिए हम इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और चीज, कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है सिवाय एनसीईआरटी के। ये बात आप अच्छे से आज समझ लीजिए, जितना जल्दी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो सिर्फ समझाने के पर्पज से रहेंगी, मैं बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं खुद से आपको चीजें क्लियर करवा दूंगा। ओके, एक और चीज, अगर मैं किसी टॉपिक पे स्टार लगा रहा हूँ, या तो 1 या 2 या 3, तो जैसे जितने ज्यादा स्टार बढ़ते जाएंगे उतनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। इम्पॉर्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है, या तो वो क्वेश्चन आ चुका है कई बार पेपर में, या फिर आने वाला है, ठीक है। आने वाला है क्या मतलब, मैं फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं कर रहा हूँ, पर एक इम्पॉर्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, पहले आप लोगों से एक बार पूछ लेते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं हम, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, मतलब स्पीशीज का प्रोडक्शन करना, पॉपुलेशन का प्रोडक्शन करना, उसको आप क्या बोल रहे हो, रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। अच्छा, एक इससे ऊपर एक और चीज होती है जो हमने कभी सोची नहीं होगी, लेकिन उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, एम्ब्रियोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा साइंस में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, कई सारी ब्रांचेस हैं। तो ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, रिप्रोडक्शन। बेसिकली एम्ब्रियो नहीं बनेगा, स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन की एम्ब्रियो से ही होती है। एम्ब्रियो बना, फिर वो टीनेजर बना, अडल्ट, अडल्सेंट, अडल्ट, फिर मतलब डेथ एंड नई मतलब जनरेशन का प्रोडक्शन उसके पहले हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स दे रखे हैं, लाइक जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन, पार्चुरीशन, ठीक है। वो टर्म हम सिस्टम वाइज जब पढ़ेंगे तो एक एक सिस्टम करके आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आप पैनिक मत कीजिएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम स्टार्ट करेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अच्छा, आप पूछेंगे फिर ये इतना सारा क्या लिखा हुआ है, ये टॉपिक मैंने डिवाइड कर दिए हैं, इन टॉपिक्स के बेसिस पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल पढ़ेंगे, फिर हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। अच्छा, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पहले हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन का जो बेस बनाते हैं, रिप्रोडक्शन का बेस कौन बनाते हैं, गैमिट्स। गैमिट्स का प्रोडक्शन कौन करता है, सेक्सुअल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन की। ये बहुत खुश है अभी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल ऑर्गन की। सेक्सुअल ऑर्गन 2 तरह के होते हैं, जैसा कि शायद आपको पता भी होगा पहले से, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है गाइस, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनको डिफाइन करना, ठीक है। क्या होते हैं, एक लाइन में आपको बताऊंगा, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जब भी कभी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आपके सामने टर्म आता है आपको याद रखना है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमीट का प्रोडक्शन करे। किसका प्रोडक्शन करे, गैमीट का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
जो किसका प्रोडक्शन करे, गैमेट का प्रोडक्शन करे। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, जो गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करे, किसके फ्यूजन में, गैमेट के फ्यूजन में। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो सेकेंडरी में याद रखिएगा, गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब गैमेट के फ्यूजन में कैसे हेल्प करता है, तो ये दो तरीके से हेल्प करता है, या तो अपने ग्लैंड्स के सिक्रीशंस पाथवे में डालता है, या फिर उन पाथवे को ही फॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक। अब बात करते हैं कि मेल में और फीमेल में क्या क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक, और गैमेट क्या होता है, ठीक, ये चीज अब हम देखेंगे। तो मेल और फीमेल की बात हम करेंगे इसमें आगे। अच्छा, हमने अभी जैसे कि बात की, पहले मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में गैमेट क्या होता है, एग्जांपल आपको पता है क्या बोलते हैं मेल के गैमेट को, स्पर्म, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। अभी तो हमने बात करी कि ये तो गैमेट हैं, पर ऑर्गन कौन से हैं जो इनको फॉर्म करते हैं, स्पर्म को जो फॉर्म करता है वो ऑर्गन है टेस्टिस। तो टेस्टिस आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई लोगों को डाउट आता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अलावा कुछ और बताने लग जाते हैं, हाँ हाइपोथेटिकल आंसर, ठीक है। तो किसी के दिमाग में अगर डाउट हो तो उसको हटा दीजिएगा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी, ठीक है। मैं जानबूझ के इनको इनको इतना पास पास लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये चीजें घुस जाएं अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई किसकी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात, अब आती है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जो ऑर्गन के नाम या ग्लैंड्स के नाम आपको बताऊंगा, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिस्टम में हम आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपका एक पाथवे रोड मैप पता लग जाए। मतलब आप कहीं भी जाते हैं तो पहले गूगल मैप पे सर्च करते हैं ना कि कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके एग्जांपल अगर हम बात करें, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एटसेट्रा आप लगा लीजिए, क्योंकि और भी कई सारे हैं, सारे लिखना पॉसिबल है नहीं, सिर्फ आपके एक एग्जांपल दे के समझाना चाह रहा हूँ मैं। फीमेल्स के एग्जांपल की बात करें तो फीमेल्स में एग्जांपल आता है वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के, ठीक। ये तो हुआ हमारा बेसिक पार्ट, अब हम अपना आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, किसी को, हाँ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट मैं भूल गया, किसी को किसी भी तरह का अगर डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, जितने डाउट्स आ रहे हैं आप पूछिए, या तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं वहाँ प्रेजेंट होता हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके डाउट नेक्स्ट लेक्चर में अलग से 10 से 5 मिनट लेके आपको पूरे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई ऐसा मत सोचिएगा कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट्स पूछने में दिक्कत आएगी, आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चीज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स से आता ही आता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ये चीज कई बार पूछी जाती है कि कहाँ पे आपका ये बनते हैं, जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे या सेक्सुअल ऑर्गन थे, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बेसिकली थे, वो कहाँ फॉर्म हुए, ठीक है, जगह कौन सी थी उनके फॉर्म होने की, बॉडी में तो हुए नो डाउट, पर कहाँ। तो याद रखिएगा, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों ही कहाँ फॉर्म होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। किसमें फॉर्म होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, एब्डोमिनल कैविटी में तो फॉर्म हो रहे हैं, आई होप आपको पता होगा एब्डोमिनल कैविटी
और बाकी कैविटीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप डाउट बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे, तो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में बने, लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, ये डिसेंड हो जाते हैं, डिसेंड मतलब नीचे आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और बर्थ होने के बाद डिसेंड होके कहाँ आ जाते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। क्यों आ जाते हैं, क्या ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी मैं बस इसलिए बताया कि दोनों को कंपेयर कर रहे थे, कंपैरिजन में आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि बनते दोनों एब्डोमिनल कैविटी में है, लेकिन बर्थ के टाइम फीमेल के गैमिट्स तो फीमेल मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन तो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं, लेकिन जो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली डिसेंड होकर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ एक छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको शायद पता होगा कि हमारी जो बॉडी है, जो भी ऑर्गन सिस्टम है, वो जर्म लेयर से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो तीन जर्म लेयर होती है बॉडी में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसलिए मैं इसको लिख के नहीं बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा जो सेक्शुअल ऑर्गन वाले पार्ट है वो आपका किससे डिराइव होता है, मेसोडर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ाया जाएगा तब आपको ये सारी चीज़ें एक बार में क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए, काफ़ी देरी हो गई है ऑलरेडी एक्स्ट्रा चीज़ों में। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो कि हमें पता है, अभी सबको पता है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टीज। क्या फॉर्म करेगा, स्पर्म, ठीक है। चलो अब टेस्टिस की एक खास बात है, आप देखेंगे ये इस शेप का होता है, टेस्टिस जो होता है थोड़ा ओवल शेप समझ लीजिए, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा है, ब्रेड थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। लाइक इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और ब्रेड 2 to 3 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ याद रखने को, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी को नहीं पता, कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे शायद पूछ ले, ठीक है। जब मैं आपको ओवरी पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको साइजेस बताऊंगा, और एनसीईआरटी में जो भी चीज लिखी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कहीं भी लिखी हो, किसी भी जगह पर लिखी हो, ठीक। चलो एक चीज ये हो गई। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हम बात कर रहे थे, ये आ जाते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, टेस्टिस होते कहाँ हैं, कैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक। चलो तो टेस्टिस का शेप तो हमने देख ही लिया था, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता पर होता इस तरह का ही है, ठीक है। चलो ये समझाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बनाया गया है। टेस्टिस हमारी बॉडी में कितनी होती है, वन पेयर, दो होती है, वन पेयर मतलब दो, ठीक है, एक नहीं होती है, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। अभी डायग्राम में मैंने दो इसलिए दिखा दी क्योंकि हम लेकिन डिस्कस करेंगे तो सिर्फ एक ही साइड की टेस्टिस करेंगे, ठीक है, ये बात आप थोड़ा समझ लीजिएगा। चलो अच्छा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये अटैच कैसे होती है और ये है क्या, जो ये पाउचलाइक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये है क्या बेसिकली, ये पाउचलाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्क्रोटम, क्या बोलते हो, स्क्रोटम, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो अंदर की लेयर होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इनर लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं डार्टोज मसल, कौन सी मसल, डार्टोज, डी ए आर टी ओ एस ई, डार्टोज मसल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों है भैया यहां प्रेजेंट, क्या जरूरत पड़ गई डार्टोज मसल की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्टिस को डिसेंड होने की क्या जरूरत पड़ गई, एब्डोमिनल कैविटी में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन रह सकते हैं तो मेल क्यों नहीं, ठीक है। बेसिकली हमने बात की थी टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन, कोई दिक्कत,
अब इस स्पर्म प्रोडक्शन करवाना है तो एक प्रॉब्लम है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है जल्दी से सोचिए, बताइए 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो बॉडी को जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 37 से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। अब अगर कम टेम्परेचर चाहिए होगा तो बॉडी में तो नहीं रख सकते, बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमारी बॉडी ने एक नई सुविधा बनाई कि बॉडी के पास रहे, मतलब 37 के आसपास तो रहे लेकिन 37 ना रहे, उससे कम रहे, तभी स्पर्म प्रोडक्शन हो पाएगा। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि नीचे क्यों आए। अब नीचे आने के बाद भी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड तो अल्टीमेटली बॉडी से ही है, तो 37 होने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन जो ये डार्टोज मसल है ये बेसिकली इसमें हेल्प करती है टेम्परेचर रेगुलेट करने में, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रेगुलेट करवाती है वो मेन फंक्शन यही करवाती है। ये क्या करवाती है, एट द टाइम ऑफ विंटर्स ये टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी तो क्या होगा, हीट लॉस बचा लेगी। गर्मियों में क्या करती है, हीट लॉस ज़्यादा करवाती है, रिलैक्स करवा देती है टेस्टिस को, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर दिमाग में रखिएगा कि डार्टोज मसल का फंक्शन क्या है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और होती है फेशिया, इस तरह से ये कवर करके रखता है पूरी वॉल को, ठीक है। ये होता है फेशिया, फेशिया बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपको ग्रीन चीज़ दिख रही है ना, ये बेसिकली ग्रीन चीज़ एक प्लाईबोर्ड के ऊपर स्टिक कर दी गई है, पेस्ट कर दी गई है, ठीक है। अब अगर इसी तरह की कोई चीज़ इस वॉल के ऊपर पेस्ट की होगी, अब एक चीज़ और समझिएगा, ये 3D होता है, ये इस तरह से, ठीक है, लेकिन आपको 2D दिख रहा है, इसलिए इमेजिन करिएगा एक लेयर्स होती है, मतलब एक लेयर फिर इसके ऊपर 2 लेयर फिर 3 लेयर इस तरह से, ठीक है। तो ये फेशिया की लेयर है। अब जब ये लेयर है तो ये क्या करेगी, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। अच्छा एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं ये मिटा दूं थोड़ा सा आपको समझ आ पाए डायग्राम, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बॉडी से भी कनेक्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। यहां से एक कॉर्ड आती है जो इसको यहां पे कनेक्ट करती है, अभी मैं यहां पे शो तो कर रहा हूं, ये यहां पे कनेक्ट नहीं करती है, पीछे की साइड कनेक्ट करती है। इमेजिन कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्ट्रक्चर है और ये कोई स्ट्रक्चर ऊपर से आया और उसने पीछे से आगे कनेक्ट किया है, पीछे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ जिससे दिखेगा, ठीक है, पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ पे मुझे मजबूरी में नीचे दिखाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2D डायग्राम है। अच्छा ये जो कॉर्ड है इसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या नाम होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड करती क्या है, क्यों होती है, क्या फंक्शन होता है, ठीक। स्पर्मेटिक कॉर्ड आपसे एक जगह पूछी जाएगी, बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर नीट के लिए भी, क्रिमेस्टर मसल के कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो या फिर आप बोल रहे हैं कंपोनेंट्स की जगह एक कंटेंट टर्म यूज कर सकते हैं जिस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो कंटेंट्स में आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस याद रखिएगा ये। उसके अलावा नर्व्स, आर्टरी, लिम्फेटिक्स, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे नर्व्स आर्टरी लिम्फेटिक्स तो लिख दी, ये तो बता देते कि नर्व्स कौन सी हैं, आर्टरी कौन सी है, लिम्फेटिक्स कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व्स आर्टरी लिम्फेटिक्स होंगी ये बेसिकली गोनेडल नर्व्स, गोनेडल आर्टरी और गोनेडल लिम्फेटिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये ज़रूर रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये कंटेंट हो गए। अच्छा एक और चीज़ आप सोच रहे होंगे, हवा में कैसे, ये जो चीज़ है टेस्टिस ये स्क्रॉटम के अंदर हवा में कैसे है, तो हवा में तो नहीं होगी ये, ये बेसिकली नीचे से कुछ फाइबर्स की हेल्प से कनेक्टेड रहती है और कई स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक और टाइप की मसल होती है आपके सिलेबस में नहीं, क्रेमेस्टर मसल में नाम लिए दे रहा हूँ,
बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल याद मत रखिएगा, जो पीछे से कनेक्ट करके रखती है इसको, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, इसको हम बोलते हैं मेजोरकियम। आई होप आपको दिख रहा होगा मेजोरकियम, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है, यहां लिख दे रहा हूं दूसरा नाम आपके लिए, गुबरनेक्यूलम, गुबरनेक्यूलम, ठीक है। ये चीज आपको कनेक्शन समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया। अब एक लास्ट बात है जो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर पोर्शन से वो वही पूछा जा सकता है, इंग्वाइनल कैनाल। कौन सा पार्ट? इंग्वाइनल कैनाल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्वाइनल कैनाल का फंक्शन बताइए, इंग्वाइनल कैनाल का सिग्निफिकेंस बताइए, या इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट बताइए। क्या बोला मैंने? या तो आप सिग्निफिकेंस बता दीजिए या कंटेंट बता दीजिए। सिग्निफिकेंस क्या होता है? हमने बात की थी कि एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? फिर से रिपीट किए देता हूं, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड होके स्क्रोटम में आते हैं, जिसको हमने बोला पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब उसमें अगर ये चीज आ रही है तो कैसे आएगी? कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। तो ये बेसिकली इस कैनाल के थ्रू आती है। कैनाल समझते हैं ना सब, नहर जो होती है आपकी, जैसे नहर, ठीक है। नहर बेसिकली ज्यादा गहरी नहीं होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है अगर कवर कर दी जाए, ठीक है। तो उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये जो आप बन के दिख रही ना, ये इंग्वाइनल कैनाल है बेसिकली। यहाँ से आपको डायग्राम में इसमें मैं इसलिए नहीं समझा सकता, एक तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, कई सारी कैनाल्स इसमें से मूव कर रही हैं, लेकिन आपको बस दिमाग में रखना है कि इस कैविटी में से इंग्वाइनल कैनाल आती है, जो यहाँ भी जाएगी यहाँ भी जाएगी, ठीक है। एक ही कैनाल है बेसिकली, लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? अब इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट आपको याद नहीं रखने हैं। आप सोच रहे हो क्या पागल बना रहे हैं सर, कि पहले बोल रहे हैं कि इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, और फिर बोल रहे हैं कि याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से बेसिकली स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वाइनल कैनाल से ही आ रही है। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट है वही किसके कंटेंट है? आपके इंग्वाइनल कैनाल के। तो आपको याद रखना नहीं है। अब सिग्निफिकेंस की बात आती है, सिग्निफिकेंस मैंने आपको अभी अभी बताया। क्या सिग्निफिकेंस है? कि जब एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड करके टेस्टिस को आना था वो किसके थ्रू आए? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। दोनों चीजें क्लियर हैं? किसी तरह का अभी तक इस पोर्शन में कोई भी डाउट अगर हो तो आप नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में। थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए हम सबसे पहले बनाते हैं अपनी टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस में मैं स्ट्रक्चर पहले बना दे रहा हूं, फिर आपको समझा दूंगा। ये नेक्स्ट चीज आती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है, बना लीजिए साथ साथ में, बाद में टाइम लगेगा, ठीक। हाँ, तो टेस्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो उसकी लेंथ और ब्रेथ याद रखनी है आपको, ठीक। हाँ, तो जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में एक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पाथवे। किसका पाथवे? स्पर्म फॉर्मेशन का पाथवे समझ लीजिए, ठीक है। वो इकलौता एक ऐसा वाहिद टॉपिक है जिससे लगातार 5 साल क्वेश्चन आ चुका है, और मैं गारंटी देता हूं कि इस साल भी आएगा। क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक? आप क्या कर सकते हो? बात समझ रहे हैं? टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन उनको कहीं ना कहीं से पूछना ही पड़ता है। 5 साल कुछ अलग अलग पूछा था, पर ये टॉपिक यही था, ठीक है। मैं आपको आज एक बार मैं पढ़ाऊंगा करेक्ट 5 मिनट में, 5 मिनट भी ना लगे शायद, लेकिन आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। और उस तरह के क्वेश्चन आप जाके सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन एक बार में बनेंगे, और जो आने वाले होंगे अभी 4 महीने बाद 5 महीने बाद एग्जाम है, आप देख लीजिएगा एज इट इज क्वेश्चन छपेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलिए, हाँ, एक कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं,
कवर करके रखती हैं इसको। अब याद रखिएगा तीन लेयर्स होती हैं इसमें, कितनी? तीन। सबसे आउटर ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। आप सोच रहे होंगे लिखवा क्यों नहीं रहे सर? लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं अभी डायग्राम में लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा चलो फ्यूचर के लिए काम आ जाएगी। ठीक है, वेजाइनलिस लिखिए। एक और चीज़, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करा है आपने, कवर क्यों नहीं किया? तो आप सोचिए अगर कवर कर देता तो ये चीज़ जिंदा रह पाती क्या? ब्लड वेसल्स और ये जो कैनाल्स आ रही हैं टेस्टिस के अंदर, ये कैसे आ रही हैं? या ब्लड सप्लाई आ रही है, या नर्व सप्लाई आ रही है, या कुछ भी चीज़ और एक्स्ट्रा आ रही है, वो कैसे आ रही है? वो इसी के थ्रू तो आ रही है। ठीक है, ये जो जगह बनाई है इसी के थ्रू तो आ रही है, ये चीज़ क्लियर है। हाँ, एक और चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप सिस्टम में पढ़ते हैं तो जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है वो उसका फंक्शन हमेशा और हमेशा क्या होता है? हमेशा उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। ये चीज़ क्लियर है, इसमें किसी तरह कोई डाउट? अच्छा, सेकंड जो होता है लेयर वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो थोड़ी सी पास होती है। और जो ये मैंने कंपार्टमेंट बनाए हैं ये बेसिकली ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाती है, और यही लेयर सेंटर में थिक होके एक पार्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। ये कंपार्टमेंट एक नहीं होते, हमने बात की थी टेस्टिस टोटल कितनी होती हैं? दो। एक टेस्टिस में 250 के आसपास ये कंपार्टमेंट होते हैं, ये कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्यों बोला? लोब मतलब पूरा टेस्टिस, उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए तो उसको लोब्यूल्स बोल दिया। ठीक है, 250 होते हैं, और एक ये जो 250 है एक कंपार्टमेंट में एक से लेके तीन क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पाया जाता है? ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब लेकिन जब मैं आपको अभी ये समझाऊंगा डायग्राम, तो मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तीन नहीं शो करूंगा, मैं एक ही शो करूंगा जिससे आपको डायग्राम क्लियर हो पाए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है, मैंने कहा था तीन लेयर होती है, एक तो हो गई वेजाइनलिस, ये जो दूसरी बनाई है ये हो गई एल्बुजिनिया। तीसरी जो लेयर होती है, मैं आपको अलग कलर से शो कर देता हूं, तीसरी लेयर बिल्कुल इससे जो जहां जहां ये चीज जा रही है बिल्कुल इस तरह से अटैच होती है, मतलब हर एक चीज को कवर करके रखती है। शायद आपको डायग्राम में समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ भी चीज है उसकी जो लेयर बिल्कुल चिपकी हुई है उससे, दूर नहीं जा रही है। ठीक है, मतलब समझ जाइए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल अटैच्ड है। ठीक है, जैसे फेविकोल का जोड़, आपने ऐड तो देखा ही, वो वाला बिल्कुल उसी तरह का जोड़ है ये। अच्छा, इसको हम बोलते हैं इस लेयर को ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, और जो अभी तक जो बताया वो ठीक है, अब पाथवे चालू होने वाला है। बिल्कुल ध्यान लगा के सिर्फ यहाँ नज़र होनी चाहिए, कुछ नहीं लिखना है, कहीं नहीं ध्यान देना है, कोई बोल रहा है बात कर रहा है प्लीज़ चुप हो जाइएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ, जो पहली लेयर आई ये हम सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसको डिनोट कर रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना है अंदर की तरफ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां तक है, लेकिन जो ये एरिया है ये वाला इस एरिया को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये क्या बनाया है, इस एरिया को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। अब ये मैं समझा रहा हूँ आपको क्या है, क्या ये कैसा दिख रहा है, ये अजीब सा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ऐसे समझ लीजिए,
ये कई सारी चॉक्स है मेरे हाथ में, ये सिलेंड्रिकल है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर मैं ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को 2D में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, इनको कट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो इमेजिन कीजिए ये, ठीक है, ट्यूब्स अटैच नहीं है, और जब इनको हम काट के देखेंगे इस सेक्शन में, तो ये सेक्शन में हमको ट्यूब्स कैसे दिखेंगी, बिल्कुल इसी तरह से। आप समझ पा रहे हैं है क्या डायग्राम? डायग्राम बेसिकली 2D में बोर्ड पे बना है, दो ही एक्सेस होते हैं यार, समझा करो, ठीक है। तो तीन एक्सेस में हम शो नहीं कर सकते, 2D डायग्राम है, ठीक। इसको हमने रेटी टेस्टिस बोला। इसके बाद एक पार्ट आता है जो ये बेसिकली मैं लाइन से शो कर रहा हूँ, पर ये ट्यूब्स हैं, 10 से 20 ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया, ठीक है, वासा इफरेंशिया, या वास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वासा इफरेंशिया। अब मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं, क्या अगर नोट कर लिया हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, मैं 10 सेकंड रुका हुआ हूँ, नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट आए तो देख लीजिए। डायग्राम पूरा नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ ये नाम मिटाऊंगा, यहाँ पे कुछ समझाना है, ठीक है, चलो सॉरी। ठीक है, चलो, तो ये ट्यूब्यूल्स आगे जाके कनेक्टेड होती हैं एक लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट से, हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इपीडिडाइमस। क्या बोलते हैं? इपीडिडाइमस, इपीडिडाइमस, ठीक है। अब इपीडिडाइमस आगे जाके क्वाइल होके वापस से पीछे जाती है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? वास डिफरेंस, ठीक है। चलो, तो अब इंपॉर्टेंट एक चीज बता देता हूं, जो आपके बेसिक कभी पेपर होते हैं ओलंपियाड वगैरह, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके तीन, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके बेसिकली इसके तीन पार्ट के नाम होते हैं। तो पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपोट, हेड पार्ट जो होता है, बेसिकली ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज होती है ना, उनमें हेड को कैपट से डिनोट करते हैं। कभी आपने एक शायद मूवी देखी होगी मेड्यूसा, जिसमें उसके काफ़ी सारे वो होते हैं, तो मेड्यूसा टर्म भी हेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैपट, बॉडी के लिए जो यूज़ किया जाता है टर्म, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। और जो टेल के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉडा। मैं यहीं लिख दे रहा हूँ जगह की कमी के चलते, कॉडा, ठीक है। अब एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन है? इसका क्या फंक्शन था? रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस तक स्पर्म को ले जाना। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर कहाँ है? ट्यूबुलर रेक्टाई में। ट्यूबुलर रेक्टाई ने कहाँ पहुँचा दिए? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस ने वासा इफरेंशिया के थ्रू कहाँ पहुँचा दिए? एपिडिडाइमस में। मैं एक और बार क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पूरा समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में दो काम होते हैं। यहाँ एक तो टेम्परेरली स्पर्म स्टोर किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन होता है स्पर्म का। फंक्शनल मैचुरेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे उसकी एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा एनर्जी कंजर्व क्यों की जाती है, तो दिमाग में रखिएगा कि कभी एक टर्म बोला गया था एनर्जी कंजर्व, या फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, या टेम्परेरली स्टोर किया जाता है एपिडिडाइमस में, ठीक है। चलो, तो एपिडिडाइमस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आया? वास डिफरेंस। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो ठीक था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी चीज थी नीचे की तरफ आ रही थी तो अपने आप आ जा रही थी, पर यहां तो कुछ ऐसा नहीं और उल्टी ऊपर जा रही है चीज, तो ऊपर कैसे चढ़ जाएगी? खुद सोचिए ना, नीचे आप बॉल रख दीजिए पाइप में से, आपने ऊपर से बॉल डाली और बॉल नीचे आ गई, लेकिन अब नीचे बॉल रख दी और पाइप लगा दिए तो ऊपर चढ़ जाएगी क्या? नहीं चढ़ेगी। पर यहां कैसे होता है? आप यहाँ आपको देखने को मिलती है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब नीचे से प्रेस होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर प्रेस जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर ऐसे प्रेस प्रेस होते हुए, इसको आप बोलते हैं क्या? पल्सेटाइल मोशन, ठीक है। लाइक पेरिस्टाल्सिस होती है ना, कुछ उसी उसी के जैसी, ठीक है, एग्जैक्ट वैसी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ उसी के जैसी, ठीक, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें आगे जाके जो बनती है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, आपने कभी पाइप देखे घर की नल की फिटिंग, जब कहीं पे दो पाइप एक साथ निकालने होते हैं या दो पाइप टूटे हुए कनेक्ट करने होते हैं, तो एक कनेक्टर लगाया जाता है, जो कनेक्टर पाइप के साइज से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
बेसिकली रुक जाइए यहाँ लिख देता हूँ एम्पुला, ठीक है क्या बोलते हैं एम्पुला या फिर ये कॉर्पस हटा के मैं यही एम्पुला लिख देता हूँ, रुक जाइए क्या बोलते हैं इसको एम्पुला। एम्पुला में एक खास बात होती है, एक टर्म आएगा भी जैसे मैं आपको पहले भी बताया था ग्लैंड के बारे में सेमाइनल वेसाइकल, तो सेमाइनल वेसाइकल यहीं आके ओपन होती है, इस तरह से अटैच होती है ये इससे, ठीक है सेमाइनल वेसाइकल अटैच होती है। अब ये एम्पुला आगे जाके लीड करता है किसको, इजैकुलेटरी डक्ट को, यहाँ नाम आएगा क्या इजैकुलेटरी डक्ट, कौन सा नाम इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है इजैकुलेटरी डक्ट EJACULATORY DUCT डक्ट, ठीक है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे कहाँ जाती है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर पेनिस के थ्रू, ठीक है ये होता है आपका पाथवे पूरा स्पर्म का, ठीक है। अब मैं इस पाथवे को एक बार डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूँ, फिर एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में फिर से बता दूंगा, ठीक है इतनी बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बना स्पर्म, यहां पे बनने के बाद ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के थ्रू कहां आया रेटी टेस्टिस में, ये सारे ने कहां पहुंचा दिया रेटी टेस्टिस में, ठीक है रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया ने कहां पहुंचा दिया एपिडिडाइमिस में, ठीक एपिडर्मिस में स्टोर किया जा सकता है एक मंथ तक टेम्परेली, मैंने अभी बोला था टेम्परेली स्टोर करते पर टाइमिंग नहीं बताई थी, अब मैं बोल रहा हूँ टेम्परेली स्टोर कर लेते हैं कितने दिनों तक अप्रॉक्स एक मंथ तक, और क्या होता है यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ये हुआ वास्ट डिफरेंस में आया, एक इम्पॉर्टेंट चीज अभी तक हम कहाँ थे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, वास्ट डिफरेंस ये वापस कहाँ लेके जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेनिस कहाँ होता है पेनिस तो बेसिकली बाहर होता है पर यूरेथ्रा और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कहाँ होते हैं सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे सबसे पहली चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एब्डोमिन को कनेक्ट करती है वो कौन सी है वास डिफरेंस, याद रख पाएंगे चलिए ठीक है। अब इसको मैं एक बार इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जल्दी से लिखूंगा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है चलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शॉर्ट में ही लिखूंगा ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटी टेस्टिस वासा इफेरेंशिया, ठीक है वासा इफेरेंशिया के बाद आपका आता है इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस एम्पुला, एम्पुला के बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है ये पाथवे से लगातार 5 साल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चीज पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है लिख लिया आपने 10 सेकंड दे रहा हूँ जल्दी लिख लीजिए। ठीक है हो गया, अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, ठीक है ग्लैंड्स बेसिकली आपको सिर्फ 3 पढ़नी है तो याद रखिएगा ग्लैंड्स बेसिकली आपको कितनी पढ़नी है 3। तो ग्लैंड्स में आपको याद रखना है सिर्फ 3 से 4 पॉइंट, कितने पॉइंट 3 से 4 पॉइंट, बहुत रिलैक्स होकर पढ़िएगा, इतना इजी है ग्लैंड्स, लोगों ने इसका हवा बना देते हैं कि बहुत टफ होता है हमको तो याद ही नहीं होता है हमारा तो ऐसा हो जाता है हमारा तो वैसा, आप सिंपली समझिए और बहुत इजी तरीके से मैं इसके 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा,
ठीक, चलिए पहला होता है सेमाइनल वेसाइकल, नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। चलिए जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम चार पार्ट में करवाएंगे, तो हम चार पार्ट में ही करवाएंगे, चार पॉइंट्स में सॉरी। पहला पॉइंट सेमाइनल वेसाइकल, और ये बताने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहीं के लिए नहीं, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई ग्लैंड सिक्रीशन कर रही होगी, ठीक है, तो वो सिक्रीशन कैसा होगा, हमेशा और हमेशा वो सिक्रीशन स्लाइटली एल्कलाइन होगा, अप्रोक्स उसका पीएच होगा 7.2 से लेके 7.4 तक। ये बात अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, विदाउट एक्सेप्शन अगर कोई ग्लैंड पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का सिक्रीशन कर रही है तो वो कैसा होगा, स्लाइटली एल्कलाइन, जिसका पीएच 7.2 से लेके 7.4 तक वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए सेमाइनल वेसाइकल का जो पहला पॉइंट है, ये 70% पार्ट बनाता है, जो सीमन आपका बन रहा है उसका कितना परसेंट पार्ट बनाता है, ये 70%। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बनाता है, चलिए पहला पॉइंट है ना सबका, ये बनाता है 30% पार्ट, ये कोई पार्ट नहीं बनाता। आप लिखना चाहे तो 0 से 1% लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वैसे कोई पार्ट मत लिखिए, डैश लगा दीजिए, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली वो पार्ट नहीं बनाता है लेकिन वो हेल्प करता है, ठीक है, कई चीजों में जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पीएच की बात करते हैं, तीनों में क्या लिख देंगे, 7.4 7.4 7.4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट की, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहां के कंटेंट में तो सिर्फ एल्कलाइन फ्लूइड, पहले ये वाला क्यों लिखवाया, क्योंकि ये सिंगल ही है, इसमें एल्कलाइन फ्लूइड के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। अब हम यहां बात करते हैं कि यहां क्या क्या पाया जाता है कंटेंट में। यहां पे आप सबसे पहले याद रखिएगा फाइब्रिनोजन, सबसे इंपॉर्टेंट, इनोसिटॉल, सिट्रेट, ठीक है, एंड अदर प्रोटीन्स, ठीक। इसमें आपको याद थोड़ा ज्यादा रखना है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड, ठीक। ये तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट मैं लिख दूंगा, आप ये पहले नोट कर लीजिए, यहां का कोई कंटेंट नहीं था। पहला क्या पॉइंट है, 70% पार्ट बनाता है ये सीमन का, ये 30% पार्ट बनाता है, ये कोई पार्ट नहीं बनाता। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेमाइनल वेसाइकल दो होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स दो होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, ठीक है, लेकिन ये पांच लोब से, ये सिंगल भी कैसे बनती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पांच लोब से बनी है, इसमें ये पांच लोब है, ये पांच लोबों में, पर ये एक ही है, पूरी तो एक ही है, अंदर लोब पांच है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा सिंगल होती है। अच्छा ये लिख लिया आपने तीन पॉइंट, मैं चौथा पॉइंट यहां पे लिखना जा रहा हूं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये मिल्की होता है, मिल्की फ्लूइड, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब पानी जैसा, मिल्की मतलब दूध, देखा होगा आपने, ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक का क्या मतलब होता है, आपने एलोवेरा देखा है, एलोवेरा, एलोवेरा जब आप ऊपर की लेयर हटा देते हैं तो वो जेली लाइक सब्सटेंस दिखता है, उस जैसा होता है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ पॉइंट थे, अब बात आती है कि इन ग्लैंड्स के फंक्शन क्या थे, ये तो हैं, इनका यूज क्या आएगा, क्या यूज है इनका, तो
तो बेसिकली क्या होता है, एक चीज मैं आपको आगे फिर बताऊंगा दोबारा से, लेकिन अभी दोबारा से सुन लीजिए। अगर फर्टिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए या फिर कोई स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए, तो उसके लिए उसकी एक कंडीशन प्रेजेंट होती है कि स्पर्म 60% तो नॉर्मल हो, नॉर्मल शेप एंड साइज के जैसे होते हो, पर 40% कितने परसेंट लिख देता हूं मैं, 60% तो कैसे हो नॉर्मल, पर 40% की जो मोटिलिटी है वो विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। कैसी? विगरस। विगरस मोटिलिटी मतलब काफी स्पीड में मूव करे, काफी एग्रेसिव स्पर्म होने चाहिए। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी सेव करने का काम करवाते हैं ये क्या करवाते हैं, आपने क्लॉटिंग सिस्टम पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th चैप्टर, 11 चैप्टर नहीं, 7 चैप्टर है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। उसमें तो फाइब्रिनोजन है, इधर आपका कैल्शियम प्रेजेंट है, और ये प्रोफाइब्रिनाइजेशन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी अभी एक्टिव नहीं है ये। तो जब ये फाइब्रिनोजन और ये कैल्शियम मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लॉट बना देते हैं, मतलब जो स्पर्म होता है उसको कोगुलेट कर देते हैं, जमा देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही स्पर्म बाहर निकलने वाला होता है बॉडी से, उसके पहले 1 से 2 मिनट के लिए ये क्या करते हैं, जमा देते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है, 1-2 मिनट के बाद ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का प्रो हट जाता है, ये एंजाइम्स की हेल्प से इसको प्रोफाइब्रिनोलाइसिन को फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? फाइब्रिनोलाइसिन में। ये फाइब्रिनोलाइसिन उस जो क्लॉट बना उसको ब्रेक कर देता है। तो जो स्पीड होती है, तो आप सोचिए अगर कोई चीज सॉलिड से एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी मूव करी, जब एनर्जी मूव करी है तो वो विग्रस मोटिलिटी शो करेगी। तो वो चीज यहां आपको समझाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपके हो गई ग्लैंड्स वाली चीज, ठीक। अच्छा, नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार सोच लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, या फिर नोट कोई कर रहा हो तो कर लीजिए, वक्त दे देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 पार्ट और रह गए हैं इसमें पढ़ने के लिए, फिर हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ओके, तो हमने जैसा कि देखा था सेमिनिफेरस ट्यूबुल का फंक्शन क्या था, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब थोड़ा डिटेल्ड इमेज देखेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है, जहां आप एक बार समझ लीजिएगा, और एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं जो आपको बेसिक आइडिया दे देगा, ठीक है। एक चीज और समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी किसी भी चीज की अगर आउटर सरफेस होती है उसका फंक्शन हमेशा क्या होगा, उसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो मैं सारे को डिटेल में डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, पर मैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के कुछ पार्ट्स बता देता हूं, मतलब एक अगर पूरी सेमिनिफेरस ट्यूबुल उसके एक सेक्शन में काटेंगे तो सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो इनर लाइनिंग होती है, आप इनर लाइनिंग समझिए पहले, या तो आप ये वाली समझ लीजिए क्योंकि मैं सेक्शन दिखा रहा हूं, नहीं आपको ये समझना है तो आप ये समझ लीजिए अंदर की लेयर, ओके। ये बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, किससे? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम का क्या मतलब होता है? जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक है, मतलब गैमीट का प्रोडक्शन करना, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये बेसिकली क्यूबॉइडल शेप की होती है। किस तरह की होती है? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज आती है, मैं डायग्राम से आपको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, साथ साथ में डायग्राम बनाते भी जाइए, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं करूंगा, एक डायग्राम का भी एक छोटा सा एक हिस्सा बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ समझाने के पर्पज से। चलिए, तो ये वाला पार्ट जो आपका है, ये तो आपका हो गया क्या, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम का इनसाइड वाला पार्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यूबॉइडल। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, चलिए, वैसे मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, फिर भी कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा
कि तीन ऑप्शन दे रहा हूँ ए बी सी और तीनों बताइए कौन सी किस तरह की सेल है, ठीक है। ठीक है, तीन होती हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, तो आप ये बताइएगा कौन सी वाली है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में याद से, ठीक है। और नहीं समझ आएगा तो मैं आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ओके। तो ये आपकी नेक्स्ट एक जो सेल दिख रही है ये तो आपकी क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथीलियम की सेल्स हो गई। नेक्स्ट जो सेल दिख रही है ये होती हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स? सर्टोली सेल्स। इनका बेसिक जो टाइप होता है ना वो होता है कॉलमनार टाइप का। किस टाइप का? कॉलमनार टाइप की सेल्स होती हैं। किस तरह की सेल्स होती हैं? कॉलमनार टाइप की सेल्स होती हैं। अब आप एक चीज समझिए, एक हो गई क्यूबॉइडल टाइप की, एक हो गई कॉलमनार टाइप की, इनका एक बेसिक फंक्शन होता है सिक्रीशन करना, ठीक है। और ये सेल्स थोड़ी अलग टाइप की होती है। स्क्वैमस बेसिकली हमेशा जनरली जब आप देखोगे सरफेस पे पाई जाती हैं। ये आपको ऑर्गन्स के अंदर के जो ग्लैंड्स होती हैं उनको फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा बेसिक काम यही था कि इनका सिर्फ हिस्टोलॉजी बतानी थी। हिस्टोलॉजी बताने के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है वो है सर्टोली सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ना एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने ये सब बना लिया होगा, बहुत छोटा सा था। चलिए देरी ना करते हुए हम सर्टोली सेल्स, सॉरी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती हैं? पहले तो इनके नाम नोट कर लीजिए। इनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल्स। सबस्टेंटाकुलर सेल्स, ओके। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई ये आपकी कॉलमनार टाइप की होती है। कॉलमनार टाइप की होती है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अब आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सर्टोली सेल्स का बेसिक फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये बेसिकली नर्स क्यों बोला? नर्स क्या करती है? नर्स करती है केयर। क्या करती है? केयर। अगर कोई सेल या किसी तरह का टिश्यू या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टिश्यू किसी चीज की केयर कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? नर्सिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नर्सिंग। इसलिए इसको हमने नर्स सेल बोला है, ठीक है। तो इसके ना फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन आता है बेसिकली इस पे आता है, इसके फंक्शन पे। तो पहला फंक्शन हमने जैसे कि डिस्कस किया, क्या? न्यूट्रिशन। और नर्स क्या करती है? अगर कहीं गंदगी फैली हुई होती है तो क्या करेगी? वो सफाई करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई सारे स्पर्म की डेथ हो गई किसी भी रीजन से, होती है जब प्रोडक्शन चल रहा है तो डेथ भी होती है। तो वो डेड एंड डिकिंग मैटर को हटाने का काम, मतलब डेड स्पर्म सेल्स को हटाने का काम या डेब्रिस जो बन जाती है, ठीक है, उसको हटाने का काम कौन करता है? यही करता है। तो एक फंक्शन इसका क्या होता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म सेल। लिविंग का मत लिखना, डेड स्पर्म सेल्स, ओके। चलो नेक्स्ट फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी, वो फंक्शन आपको डिटेल में बाद में मिलेगा, ठीक है। इनेबिन और एएमएच की बात कर रहे हैं हम, इनेबिन हार्मोन एंड एएमएच। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये इनका भी प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। किनका प्रोडक्शन करवाती है? फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इनेबिन के में और एएमएच के प्रोडक्शन में। एक और फंक्शन आपने देखा होगा, सेल है, सेल डिवाइड करती है तो अलग अलग डीएनए जाते हैं, मतलब एक ही डीएनए की कॉपीज जाती हैं, सेम डीएनए होता है। अब अगर एक भी डीएनए गड़बड़ चला गया तो क्या होगा? वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो पूरी की पूरी जनरेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए ये चेक करते हैं कि कोई भी गलत डीएनए चला ना जाए। तो ये क्या करते हैं? अगर डैमेज डीएनए होता है तो उसको रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? डीएनए रिपेयर का काम भी करते हैं। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन से
ईस्ट्रोजन बनाने का काम भी करते हैं। टेस्टोस्टेरोन से क्या काम करते हैं? ईस्ट्रोजन बनाने का काम भी करते हैं। अब आप थोड़ा समझिएगा, मैं वापस से आपको कहाँ ले जाऊंगा? अब हिस्टोलॉजी में, जहां मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी जानबूझ के, क्योंकि वहां बतानी पड़ती, फिर आप पूछते कि समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने वहां पर रोक लिया था अपने आप को। चलिए, ये हिस्टोलॉजी थी, डिटेल अभी नहीं बतानी पड़ेगी, ये आपको समझ आ रहा होगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना रखी हैं, यहाँ पे बीच बीच में ग्रुप मिलते हैं सेल्स के इस तरह से, इनको हम बोलते हैं लेडिग सेल। कौन सी सेल? लेडिग सेल, ठीक है। इन लेडिग सेल का फंक्शन क्या होता है? ये करती है टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। अब थोड़ा समझिएगा कि लेडिग सेल, और मैं ये चीज लिंक करके क्यों बता रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो ये, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनाया। टेस्टोस्टेरोन के अलावा यहां पे एक हार्मोन होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बेसिकली ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन को ही बोलते हैं। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो उसको बाइंड करने वाली प्रोटीन, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? जो टेस्टोस्टेरोन इसने बनाया उसको ले जाके यहां अंदर ले जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, वही आगे जाके इन्फ्लुएंस करेगा स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन लेडिग सेल का ये हो गया। अब बात आई टेस्टोस्टेरोन, मैंने लिखा इसलिए क्योंकि लेडिग सेल ही बनाता है, नहीं तो आप बोलते कहां से आ गया सर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन क्यों बना रहे हैं? आधे लोगों का तो यही दिमाग खराब हो रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हो आप, तो गलत लिख रहे हो। टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन कैसे बन सकता है? ठीक है, ये गलत नहीं लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करनी होती है तब आपको ईस्ट्रोजन इनिशियली जरूरत पड़ती है। ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे टाइम जरूरत पड़ती है, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे होते हो आप तब आपको ईस्ट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो ये कुछ फंक्शन है जो आपको याद रखने ही रखने हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है पेनिस, ठीक है। तो हम पेनिस स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी, ओके चलिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पेनिस, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वेटेज नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है। दो चीजें आती हैं, एक होती है इरेक्शन, एक होती है इजैकुलेशन। इरेक्शन और इजैकुलेशन, इरेक्शन हमेशा होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में से। सॉरी, आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसके दो टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको पता होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिफरेंस क्या होता है। नहीं पता तो मैं अभी बता रहा हूँ, एक लाइन में बताऊंगा और आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बस उस कंसेप्ट से, एक लाइन में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इजैकुलेशन कौन अफेक्ट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी इरेक्शन हो रहा है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है अभी उस टाइम पे? पैरासिंपैथेटिक। और जब इजैकुलेशन हो रहा है तब कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड है? सिंपैथेटिक, ठीक। ये तो आपको याद रखना है। अब आप कंसेप्ट समझिए, जब भी पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंस की बात आती है तो आपको एक लाइन याद ये रखनी है कि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब होता है आप बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टेज की। नॉर्मल स्टेज जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पीछे शेर पड़ा है, तब वो कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी कंडीशन है। आपका दौड़ लगा रहे हैं,
ठीक है, दौड़ आप तभी लगाएंगे ना, कोई पीछे पड़ा है, रेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सक्लूड करना उसको, मैं इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई तलवार लेके पीछे पड़ गया, कोई बंदूक लेके पीछे पड़ गया, ठीक है, कहीं अटैक चल रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तब ऐसे कोई भी काम हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई एकदम से सामने आ गया, जैसे कि अभी मैं कैमरे के सामने एकदम से आऊंगा, देखो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अब आपकी आंख बंद हुई होगी, ये एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन थी कि कोई आंख फोड़ सकता है, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर है, ये होता है नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल अभी बैठे हुए हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ये एक लाइन में मैंने आपका क्लियर करवा दिया ये चीज। अच्छा, लेकिन पेनिस में क्वेश्चन तो यही आता है, पर हम थोड़ा सा तो फिर भी उसको देखेंगे ही सही कि होता क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी तो एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, जो इसका डिस्टल पार्ट होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, जो बल्ज आउट होता है, मतलब वो आगे जाके स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आगे जाके बल्ज आउट हो गया है, तो ये वो पार्ट है बल्ज आउट वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, ओके। इसके ऊपर एक स्किन का कवर होता है, ठीक है, फोल्ड होता है स्किन का बेसिकली, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ पे कुछ ग्लैंड होती है, ठीक है, उन ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये बेसिकली प्रीप्यूशियल ग्लैंड क्या करती है, सेबेशियस टाइप की ग्लैंड होती है, कुछ सिक्रीशंस डालती हैं जिससे कि ये पूरा पार्ट ल्यूब्रिकेटेड रहे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको जो आज बताना चाह रहा हूँ कि एक पार्ट पेनिस के कंप्लीट होने के बाद भी मेरे को आपको बतानी है, मैंने जानबूझ के उसको बचा के रखा था क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन है और एक लाइन में ही आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर है। अच्छा, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये क्या बना दिया सर, तो यहां पे बेसिकली कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती हैं, कैवर्नोसा मतलब जो साइड में बनाई है, सॉरी स्पॉन्जियोसम ये सेंटर वाली है, ठीक है, कैवर्नोसा जो साइड वाली है, तो ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स पेनिस के हेड तक, यहां तक तो जाती हैं लेकिन इसके आगे नहीं जाती हैं, लेकिन जो आपकी स्पॉन्जियोसम होती है थ्रू आउट तक जाती है और बिल्कुल बाहर तक जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, तो एक तो इसकी बॉडी की बात हो गई, इरेक्शन की हमने बात कर ली, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है सर्कमसीजन। अब सर्कमसीजन बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहता हूं, कई लोग को अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बताना चाहूं तो ये कोई बोल सकता है कि सर आपने ये नहीं बताया कि इरेक्टाइल होता है, अब मैंने इरेक्टाइल क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने इरेक्शन बता दिया था कि इरेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, इरेक्टाइल है, मस्क्यूलर है, यहां कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और टिश्यू है, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो भाई ये चीज भी नोट कर लेना, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताई, आई होप कि आपको ये सब चीजें पता होंगी, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था क्योंकि इस पोर्शन से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज मतलब मायने रखती है। सरकम सीजन क्या होता है, कई रिलीजियस बिलीव्स के लोगों में इस फोर स्किन को अच्छा नहीं माना जाता है, उनके अकॉर्डिंग ये अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करा जाता है, उस फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक, उस रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन, रिमूवल ऑफ फोर स्किन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। क्लियर है ये चीज, किसी तरह का कोई डाउट। अब मैं आता हूं, ये आपका पेनिस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल मतलब टेंशन मत लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो लाइन बताना चाह रहा था वो लाइन ये है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का हमने नाम लिया था अभी थोड़ी सी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स के बारे में,
हमने सबके कोगुलेशन की बात की थी, इसके हमने एक फंक्शन की बात नहीं करी जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो इसीलिए नहीं की थी कि लोगों को डाउट रहता है कि प्रीपिशियल ग्लैंड अगर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही है तो फिर ये क्या कर रहा है, तो मैंने इसीलिए उसका फंक्शन वहाँ पर नहीं बताया था। बेसिकली ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है पूरे के पूरे पाथवे में, कहाँ पे? पूरे के पूरे पाथवे में ल्यूब्रिकेशन पूरे के पूरे पाथवे में प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये होती कहाँ पे? ये आपकी प्रोस्टेट के पास से चली आ रही है, ठीक है, और ये पूरे पाथवे में प्रोवाइड कर रही है। और ये कहाँ पे? ये सिर्फ फोरस्किन के एरिया को प्रोवाइड करती है, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए मैंने वहां पे ल्यूब्रिकेशन को नहीं बताया था कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ल्यूब्रिकेशन तो बल्ब एरेथ्रल प्रोवाइड कर रही थी तो ये प्रीपिशियल ग्लैंड क्या प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हुआ आपका कि वो पूरे पाथवे को कर रही है, ये सिर्फ यहाँ कर रही है, और इसका मेजर फंक्शन होता ही यही है ल्यूब्रिकेशन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना एसिड को, एसिड को न्यूट्रलाइज करना भी इसी का फंक्शन होता है, ठीक है। करते सभी हैं पर इसका मेजर फंक्शन है, ठीक। चलिए, अच्छा एक लास्ट चीज, मेरे को कुछ टर्म बताने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी एब्डोमिनल कैविटी में सेक्सुअल ऑर्गन है, वो आते हैं डिसेंड होके कहाँ आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं। अगर स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। नाम सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पे कभी आ जाए, तो एक टर्म सुन लीजिए क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ऑर्किड टर्म बेसिकली हम टेस्टिस वाले टर्म के लिए यूज करते हैं, और क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ होना, ठीक है। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म ये हो गया। अब अगर वो नहीं आए, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो सर्जिकली लेके आएंगे, तो हम सर्जिकली अगर टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में लेके आते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपैक्सी, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ऑल क्लियर। चलिए, तो यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट हो कि सर ह्यूमन स्पर्म का आपने स्ट्रक्चर नहीं बताया है, वो मैं गैमेटोजेनेसिस में कवर करूँगा। गैमेटोजेनेसिस के साथ ही मैं और सारी चीज़ें भी कवर करूँगा, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो रॉ पार्ट होता है, रॉ पार्ट मतलब जो बेसिक पार्ट होता है जिससे आपका पूरा बेस बनेगा, क्योंकि अब जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ोगे तो आपको आसानी इस बात की होगी, आपको एक आइडिया होगा कि हम चलेंगे कैसे, क्लियर है। चलिए, तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, गुड नाइट।